नवाज भाई, फिल्म करने से पहले आपके बाला साहब की प्रतिमा क्या थी? बाला साहब की जैसे सबके अंदर थी वही थी छवि कि एक फेयरलेस और डेयरिंग किस्म के इंसान थे, और जो अब दूसरी बात ये थी कि हिपोक्रेसी नहीं थी उनकी, ये एक छवि मेरे दिमाग में थी, जो अंदर है वो बाहर है, वो ये नहीं कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ है, लोगों के सामने कुछ और है अंदर, ऐसा नहीं था उनके, जो है तो है वो, ये एक छवि थी मेरे दिमाग में उनकी। बहुत सारी इंस्पिरेशनल थी जब मैंने उनकी शुरुआत से उनकी लाइफ के बारे में जानना शुरू किया, तो बहुत सारी चीज़ें थी उनकी जो इंस्पायर करती थी, लाइक जब अगर वो कार्टूनिस्ट थे, लेकिन कार्टूनिस्ट भी आम कार्टूनिस्ट थे नहीं थे, ब्रिलियंट कार्टूनिस्ट थे। आई थिंक उस वक्त पे हमारे कंट्री में तो ही कार्टूनिस्ट थे लक्ष्मण और बाला साहब, और दोनों मतलब आउटस्टैंडिंग कार्टूनिस्ट थे, तो वो जो भी काम करेंगे आउटस्टैंडिंग ही करेंगे। तो उसके बाद भी उनकी जब उनकी जर्नी शुरू हुई, उसमें उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है अपने स्टेट के लिए, अपने चीजों के लिए, तो वो आपको फिल्म में देखने के लिए मिलेगा।